हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे व्हाट्सएप में पेमेंट का फीचर ऐड कर सकते हो। तो गाइज व्हाट्सएप ने पिछले महीने पेमेंट का ऑप्शन ऐड किया था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो उसी वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि हमारे व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। हमने प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को अपडेट भी कर लिया, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिला। तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज आज मैं जो व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन ऐड करने का तरीका बताऊंगा, उसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई दूसरा व्हाट्सएप डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। आपके पास जो व्हाट्सएप है उसमें ही पेमेंट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर व्हाट्सएप की कोई अपडेट आ रही है तो उसे अपडेट जरूर कर लेना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन या फीचर कैसे ऐड करना है। तो आपको स्क्रीन में दो फोन दिख रहे होंगे, जो राइट साइड वाला फोन है उसमें पेमेंट का फीचर ऐड है और जो लेफ्ट साइड वाला फोन है उसमें पेमेंट का फीचर ऐड नहीं है। तो मैं आपको लेफ्ट साइड वाले फोन में पेमेंट का ऑप्शन ऐड करके दिखाऊंगा। तो गाइज व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन ऐड करने के लिए आपको एक और फोन चाहिए जिसमें पहले से पेमेंट का ऑप्शन ऐड हो। तो आपको एक एक्स्ट्रा फोन की जरूरत पड़ेगी ही जिसमें पहले से ही व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन हो, क्योंकि दूसरे फोन के बिना व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन ऐड नहीं होगा। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का या फिर अपने फ्रेंड्स का फोन ले लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो भी आप एक्स्ट्रा फोन लें उस फोन के व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे मैंने ये राइट वाला फोन ले रखा है, इसमें पेमेंट का ऑप्शन पहले से है। तो आपको दोनों फोन लेने के बाद करना यह है कि जिस फोन में पेमेंट का ऑप्शन नहीं है उस फोन का नंबर आपको दूसरे फोन में जिसमें पेमेंट का ऑप्शन है उसमें वो नंबर ऐड कर लेना है। तो मेरे में पहले से दूसरे फोन का नंबर ऐड है। तो इतना करने के बाद आप जिस फोन में पेमेंट का ऑप्शन है उस फोन का व्हाट्सएप ओपन करें, उसके बाद उस चैट में क्लिक करें जिसका आपने नंबर सेव किया था, या फिर कह लो जिस फोन में पेमेंट का ऑप्शन नहीं है उसके चैट में क्लिक करना है। फिर इस डॉक्यूमेंट अटैच करने के आइकन में क्लिक कर दें, उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर नोटिफाई में क्लिक कर देना है, फिर दूसरे फोन में एक मैसेज जाएगा। तो मैं इस नोटिफाई में क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज ये देखिए दूसरे फोन में एक मैसेज आ गया है सेटअप के नाम से। तो जिस फोन में पहले से पेमेंट का ऑप्शन था तो अब उस फोन की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप जो दूसरे फोन में मैसेज आया था उस मैसेज के सेटअप में क्लिक कर दें, फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दें, उसके बाद सारे बैंक के नाम आ जाएंगे। तो आपका अकाउंट जिस भी बैंक में हो आप उस बैंक में क्लिक कर लेना। तो मैं बैंक अकाउंट ऐड करने का सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो मैंने बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है, ऊपर बैंक अकाउंट लिंक लिखा आ चुका है। तो मैं इस डन के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज ये सब करने के बाद अब आपके व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन ऐड हो चुका है। अब आप अगर इस आइकन में क्लिक करोगे तो आपको अब पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। तो गाइज अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप ये सीखना चाहते हैं कि व्हाट्सएप से पैसे कैसे सेंड करना है तो आप मेरी वो वीडियो देख लेना, मैंने उस वीडियो में ये सब प्रोसेस विस्तार से बताया है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आप ऐसे ही व्हाट्सएप में पेमेंट का फीचर ऐड कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।